नमस्कार, आप देख रहे हैं एनयू न्यूज़ और खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको बताते चलें कि बरेली के मीरगंज क्षेत्र के ग्राम तीर्थनगर में रामगंगा नदी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जब रामगंगा नदी का जल स्तर बड़ा था, फिर उसके बाद जल स्तर जब कम हुआ तो उसने पड़ोस के ही गांव तीर्थनगर का रुख कर लिया और वहां पर उसने काफ़ी लोगों के घर मकान काट दिए और काफ़ी कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाते हुए सब अपने अंदर समा लिया। रामगंगा नदी के द्वारा कटान से वहां पर पीड़ित परिवारों ने कभी तो गांव से कुछ परिवारों ने पलायन करना शुरू कर दिया और ट्रैक्टर ट्राली में अपना सामान भरकर नए बसेरे की आस में निकल पड़े, तो कोई अपने खेतों में रहने को मजबूर हो गया और खेतों में ही झोपड़ी डालकर अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। देखिए किस तरह से यहाँ रामगंगा नदी के जल स्तर घटने से पानी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया और किस तरह से यहाँ कटान चल रहा है। देखिए किस तरह से ये नदी ने अपना जल स्तर घटने पर किस तरह यह कटान शुरू कर दिया है और काफ़ी लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और काफ़ी लोगों की यहाँ कृषि फसल जो है वो नष्ट हो चुकी है और उनकी ज़मीन भी इस रामगंगा नदी में समा गई है। रामगंगा नदी के आस पड़ोस के गांवों को भी खतरा बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये पत्रकार राजू गंगवार की रिपोर्ट मीरगंज बरेली से।